चलिए बुलेटिन में आगे रुक करेंगे बड़ी और अहम खबरों का। सबसे पहले आपको बताया जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का सीतापुर का दौरा, सुबह 11 बजे अखिलेश यादव सीतापुर पहुंचेंगे। जिला जेल में बंद आजम खान से वो मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। सपा नेता अनूप गुप्ता के घर भी अखिलेश यादव जाएंगे। अनूप गुप्ता के घर पर कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद अखिलेश यादव का रहेगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव जो है वो सीतापुर के दौरे पर रहेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सीतापुर जिले का दौरा रहेगा। सुबह 11 बजे अखिलेश यादव सीतापुर पहुंचेंगे, जिला जेल में बंद आजम खान से वो मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ सपा नेता अनूप गुप्ता के घर पर भी वो मुलाकात करने के लिए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ भी वो बातचीत करेंगे। अनूप गुप्ता के घर पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव सीतापुर का दौरा करने जा रहे हैं। तो सुबह 11 बजे सीतापुर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव का आज सीतापुर जिले का दौरा रहेगा। सुबह 11 बजे का समय है, यानी ठीक 11 बजे सीतापुर अखिलेश यादव पहुंच जाएंगे। तो लिहाजा प्रशासनिक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। मेरे सहयोगी सुधांशु इस वक्त मेरे साथ सीतापुर से लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा सुधांशु, आप ही का रुख करते हुए आज सीतापुर के दौरे पर अखिलेश यादव रहेंगे, क्या पूरा टाइम टेबल है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम जरा बताइएगा और क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं अखिलेश यादव के आगमन को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि सुबह करीब 11 बजे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 11 बजे आजम खान से जेल पहुंचने का कार्यक्रम है और जेल में उनसे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं रामपुर लोकसभा सीट को लेकर के चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ जो राष्ट्रीय सचिव है अनूप गुप्ता, पूर्व विधायक है जो जेल के पास में ही रहते हैं, उनके घर भी जाने की संभावना है। वहां पर कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे क्योंकि सीतापुर समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और वो गढ़ अपना मानती भी है। आज भले बीजेपी की सरकार है लेकिन कुछ वक्त पूर्व 8 से 9 विधायक भी सीतापुर में समाजवादी पार्टी के हुआ करते थे। तो ऐसे में सीतापुर के सभी कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात कर सकते हैं, पूर्व विधायकों से मुलाकात कर सकते हैं, जमीनी स्तर पर क्या दिक्कतें हैं उसको लेकर के और लोकसभा चुनाव किस रणनीति के तहत सीतापुर में लड़ा जाए या उत्तर प्रदेश में लड़ा जाए इसको लेकर के जो है आजम खान से भी मुलाकात हो सकती है, जिसमें रामपुर लोकसभा सीट बहुत अहम है और उसमें किसको टिकट दिया जाए इस पर भी चर्चा की जा सकती है जी। लेकिन यहाँ पर देखिए काफी महत्वपूर्ण सुधांशु ये भी हो जाता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव यहाँ पर लगातार कवायद में जुटे हुए हैं कि चाहे आजमगढ़ की सीट हो, रामपुर की सीट हो, सीतापुर की सीट हो, जो कभी एक समय पर मैनपुरी की सीट हो, जो कभी एक समय पर समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करते थे, हालांकि फिर बीजेपी की सरकार आई और एक एक कर तमाम जो गढ़ है उनमें सेंधमारी करती हुई नजर आई और यही वजह है कि सीतापुर में अपने गढ़ को बचाने की एक बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने है। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक वक्त पूर्व सीतापुर और उत्तर प्रदेश में जो सीतापुर जनपद है वो लखनऊ के बहुत नजदीक है लेकिन समाजवादी पार्टी सदैव अपना गढ़ मानती है सीतापुर को, क्योंकि सीतापुर में जो है जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, विधायक है, वो काफी तादाद में थे और एक वक्त पूर्व और हमेशा से, लेकिन उसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है और जिसे लेकर अनूप गुप्ता के घर पर बताया जा रहा है पूर्व विधायकों की चर्चा होगी, जितने भी कार्यकर्ता है, और उससे पहले वो आजम खान के यहाँ भी जाएंगे, जेल में जाएंगे, रामपुर सीट पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जमीनी स्तर पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी को मजबूत किया जाए लोकसभा चुनाव को लेकर के इसको लेकर के चर्चा हो सकती है जी। ठीक है, अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा सुधांशु। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट को साझा करने के लिए।